गए बस स्टैंड पे, तो यहाँ पे पता चला कि नीचे का सिस्टम अलग है, ऊपर का सिस्टम अलग है। अगर मिल जाए वो लोग तो उनको जिंदा काट के फेंक दे। जल्दी 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 बोल बम। हर हर महादेव दोस्तों, हमारी यात्रा बक्सर से शुरू हो चुकी है बाबा बैजनाथ धाम के लिए। आइए मिलाते हैं आज अपनी फैमिली से। ये है हमारी फुआ। हर हर महादेव बोल बम। ये हमारे बेटा जी हैं अखिल राज यादव। बोल बम। और ये हमारी भाभी हैं बोल बम। और ये हमारे एक भैया हैं कुशीनगर से आए हैं, हमें ज्वाइन किए हैं बोल बम। और ये हमारे बड़े भैया हैं अखिलेश यादव, बिरहा गायक अखिलेश यादव बोल बम। तो बोल बम का नारा है, बाबा का सहारा है, लेकिन हम लोग जा रहे हैं ट्रेन से, पैदल नहीं। हम लोग आ चुके हैं जसीडी रेलवे स्टेशन पे, बाहर निकल रहे हैं। यहाँ भीड़ देखिए। जल्दी स्टेशन पहुंचने के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि अब हम लोगों को बाबा का दर्शन करने को मिलेगा। हम सभी लोग पता किए और स्टेशन से बाहर की तरफ निकलने लगे। तभी हमारी बुआ के सर में थोड़ा दर्द था और रेलवे स्टेशन पर फ्री सुविधाएं दी जा रही थी। दवा लेने के बाद हम लोग आगे बढ़ चुके थे। रेलवे स्टेशन पे इस तरह की बैरिकेडिंग की गई है बाहर जाने के लिए। अभी हम लोग देवघर रेलवे स्टेशन से बाहर निकल चुके हैं अखिल राज कावर के साथ। रेलवे स्टेशन से लगभग आधा किलोमीटर निकलने के बाद हमें एक टुक टुक मिला है और इससे हम लोग जाएंगे देवघर। चलिए अखिल राज बैठिए। ओ बंदी साहब ये भैया जी, यहाँ से कितना दूर है स्टेशन? अरे वो देवघर 9 किलोमीटर। लाइन तो बहुत लग रहा है, लाइन इस टाइम वीआईपी से दर्शन से 1 घंटा लगेगा 1.5 घंटा। सीधा नो एंट्री है और हमेशा जाम रहता है इसके वजह से रेलवे स्टेशन। मैं तो अभी नो एंट्री कर रखा है। रेलवे स्टेशन के साइड से एक रास्ता है, वहाँ से हम भैया लेके जा रहे हैं। जितना ही हम मंदिर के करीब जा रहे थे उतनी ही ज़्यादा हमारे अंदर उत्सुकता बढ़ती जा रही थी शिवगंगा में स्नान करने की और बाबा के दर्शन करने की। टुकटुक वाले भैया से बातें करते करते हमें ढेर सारे नज़ारे भी देखने को मिला देवघर का, और साथ ही साथ देवघर का मार्केट घुमाते हुए भैया हमें लेके जा रहे थे। और कब हम लोग बाबा के मंदिर के पास पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। भैया हैं हमें लेके आए हैं मंदिर तक, शॉर्टकट के रास्ते पूरा एकदम मंदिर के 100 मीटर करीब हमें ला के छोड़े हैं। हम लोग को लगभग 20 से 25 मिनट लग गया जसीडी स्टेशन से यहाँ तक आने में, और यहाँ से सीधे जाएंगे, बता रहे हैं कि 100 मीटर दूर ही मंदिर है। तो चलते हैं आगे और दर्शन दिखाते हैं आपको भी, अगर दिखाना पॉसिबल हुआ तो। मेन मार्केट के बीच में से हम लोग जा रहे हैं और गली में से बीच में से मिठाई की दुकान है, प्रसाद की दुकान है, पतली गली है। बोलबम और देवघर आने के बाद बैजनाथ धाम, एक खास बात ये है कि सब लोगों को बम बोला जाता है, नाम भूल जाते हैं लोग, सब लोग को बम बोला। बोलबम 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 ट्रैकर शिवा बोल बम। ये है नंदी महाराज बम भैया, ये कौन है? वो नंदी जी। कहाँ रह गई? ये कौन है? है नंदी बम, नंदी बम। इतना ज्यादा गली गली है कि भूल जा रहे हैं। बात सही कह रहे हैं।
किसी से भी पूछ सकते हैं, दुकान वालों से आप लोग पूछ सकते हैं, दुकान वाले अच्छे से हेल्प करते हैं और बताते हैं। हाँ, शिव गंगा पोखरा आ चुके हैं, काफी गीला गीला है रोड यहाँ पे। नहीं अभी नहीं। राधे बम बोल बम हम लोग आ चुके हैं शिव गंगा पोखरा में। और यहाँ पोखरा पे पहले नहाया जाता है, उसके बाद जाके जहर डल जल चढ़ाया जाता है, उसके बाद आप प्रसाद वगैरह खरीद के स्किन स्किन बोल बम। अब हमारी बुआ नहाएंगी और ये है अखिल राजिए नहाएगा और हम लोग छिड़क के काम चलाएंगे। मॉम ये सब क्या आओ मर आगे पकड़े लो कब मत जा भीतर मत जा बोली चल सकते दोस्तों। अगर यहाँ तक आप हमारी वीडियो को देख लिए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके जय भोलेनाथ हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। साथ ही साथ बाबा बैजनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम का पूरा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इस वीडियो के अगले सीरीज में, तब तक आप वीडियो देखिए, इंजॉय करिए और अपना ख्याल रखिए। बोल जय भोलेनाथ। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बाबा धाम के दूसरे एपिसोड में। चलते हैं नहाते हैं, नहाने के बाद मिलते हैं। बोल बम बोल बम बोल बम डुबकी लगाओ बम राधे बम डुबकी राधे बम डुबकी लगाओ बम। अरे देखिए इधर से एक आदमी निकलेगा, ये अवतरित हो रहे हैं। मॉम ये सब क्या बक्सर से चल के आए, सुबह 3:30 बजे ट्रेन पकड़े और यहाँ आने के बाद ट्रेन में जानते ही आप लोग कपड़े गंदे हो जाते हैं, कभी वॉशरूम नहीं गए या कहीं भी गए सब कुछ छूत हो जाता है। छूत कर रहे हैं और हम लोग इसे शिव गंगा जो पोखरा है इसमें से पवित्र कर रहे हैं। रेडी 1 2 3 ये सब कुछ लोग हैं जो रस्सी में चुंबक बांध के फेंक रहे हैं और पैसा निकाल रहे हैं जितने लोग। 1 2 3 बोल बम बोलो सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग जल का संकल्प करा लिए हैं बाबा से और यहाँ सब निकल रहे हैं जल चढ़ाने के लिए मंदिर की तरफ। भैया मिले हैं संकल्प कराते समय, जहाँ पे संकल्प कराते हैं वहीं पे हम लोग का बैग रखा गया है पंडित जी के पास जो यहाँ के पंडित थे, और अपना एक जल लेके हम लोग जा रहे हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए और एक जल वहीं पर रख दिए, जब बासुकीनाथ जाएंगे तब चढ़ाएंगे। बोल बम बोल बम अभी देख सकते हैं ये बम जी का जो पैर है भाई साहब का लंगड़ा रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि ये पैदल चल के आए होंगे। आप भी आ सकते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण होने के बाद और साथ मिलके जल चढ़ा सकते हैं। बाबा की कृपा, बाबा को मानिए और खुश हो जाइए।
बोल बम 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 बोल बम। मंदिर के प्रवेश द्वार से लेकर लगभग 5-6 किलोमीटर की लंबी लाइन का सफर आपको तय करना ही पड़ता है। प्रतिदिन 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहां आते हैं और बाबा को जल अर्पित करते हैं। श्रद्धालुओं की संख्या काफी ज्यादा होती है, इसकी वजह से पूरा गोल गोल राउंड करवाया जाता है और लंबी लाइन हो जाती है और मंदिर में आराम से प्रवेश कर पाते हैं लोग। लगभग 4-5 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा। भैया बता रहे हैं टोटल लगभग 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। अगर ये इतना लंबा राउंड कर करके बैरिकेडिंग ना किया गया होता तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है एक ही जगह पे, इसलिए लोग घूमते रहते हैं और इसकी वजह से भीड़ कम हो जाती है मंदिर के एंट्री द्वार पे और आराम से दर्शन हो जाते हैं। और इधर से लगभग जाके और 5-6 किलोमीटर राउंड करके फिर वापस आते हैं। भीड़ में से जाते हुए जैसे जैसे मंदिर के करीब हम लोग पहुंच रहे थे, सब लोगों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी और सब लोगों का जोश बढ़ता जा रहा था। बोलबम का नारा जो है सब लोग लगा रहे थे एकदम जोर जोर से, चाहे वो पुरुष हो या चाहे कोई महिला हो। मंदिर की एकदम नज़दीक हम लोग पहुंच चुके थे क्योंकि आप लोग साइड से देख सकते हैं कि मंदिर पूरा दिखाई दे रहा था और नीचे पूरा एकदम बहुत ज़बरदस्त वाली श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई थी और उसको देख के हमें काफ़ी खुशी हो रही थी कि हम लोग मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। फाइनली हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करने वाले हैं, नीचे आ चुके हैं सारी सीढ़ियों को और सारे जो भी हॉल थे वेटिंग हॉल सबको पार करके देख सकते हैं सामने ही मंदिर है। बाबा के दर्शन हो चुके हैं, जल चढ़ा चुके हैं हम लोग। हर हर महादेव। मंदिर में जल चढ़ाने के बाद बाहर आ गए और बाहर आने के बाद घर भर के लिए और सबके लिए प्रसाद ले लिए हैं। घर जाएंगे और सबको प्रसाद बांटेंगे। किया करके आ गए हैं और अपना सामान भी ले लिए हैं। अब हम लोग निकलेंगे बासुकीनाथ के लिए, चलते हैं बासुकीनाथ। हाँ, हम दो बार आ गए। अच्छा, हम दो बार आ गए। इनके यहाँ ही हम लोग अपना सामान रखे थे। हाँ, ब्लॉक में यहाँ पे अच्छा खासा मेला भी मिल जाता है, सावन का मेला। आप यहाँ पे आते हैं तो पूजा से रिलेटेड और ज़रूरतें, आम ज़रूरतें जो भी हमारी होती हैं, कपड़े, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, हर तरह के माला हैं, बर्तन है, ज्वेलरीज हैं, पूजा पाठ से संबंधित ज्वेलरी है, सब कुछ है अवेलेबल। अच्छा खासा मेला है, आप यहाँ आके मेले का भी आनंद उठा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। बाहर आने के बाद हमें बस मिल गई है जो बस बासुकीनाथ जाएगी और यहाँ से पर पर्सन 70 रुपये है। और एक और ऑप्शन है, बस के अगर ऊपर आप चढ़ के जाते हैं तो पर पर्सन 50 रुपये है। देख सकते हैं ये बस है, प्राइवेट बस सर्विस है जो बासुकीनाथ जाती है। तो चलिए चलते हैं बासुकीनाथ और वहाँ पे दिखाते हैं आपको। अपना पैदल जाते हैं।
इसको खिड़की पर दीजिएगा, इसको बस लगता है। खिड़की कहाँ बना? हम लोग का प्लानिंग चेंज हो गया हमारा ऑफिस का, हम लोग जा रहे हैं ऊपर बस के ऊपर से आप लोगों के लिए, क्योंकि वीडियो बनाने में मजा आएगा ये सोच के हम लोग बस के ऊपर जा रहे हैं। चलिए बम अखिल बाबू चढ़िए, चलो जगह बनाओ, चलो 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 अब ठीक है। अरे बम आप तो एकदम पूरा फेस आए हैं, इसीलिए तो ऊपर आ गया हम इसीलिए भाई आए मजे के लिए, बोलता है नीचे 70 अंकल जी बोल बम बोल बम बोल बम टोपी बम बाहर जाएंगे तो एक तार किसी को चोट लग जाएगा। बोल बम उस समय तो आप उसको रखिए अस्थिर रखिए हाथ बोल बम। अब तो हंस लो यार, इतने लोगों को बैठा दिए मार रहा है। अरे इनका चलान करो पहले, कोई दिक्कत नहीं है, गिनती कर लिया। ए भाई तुम बस गाड़ी छोड़ता है क्या, चलेगा नहीं तो मजा कहाँ आएगा, बैठो ना यार। यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। और चलिए अगली वीडियो में मैं आपको बासुकीनाथ पूरा बस के ऊपर से बैठ के यात्रा दिखाऊंगा और ज़बरदस्त वीडियो आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ। हम लोग आए बस स्टैंड पे तो यहाँ पे पता चला कि नीचे का सिस्टम अलग है ऊपर का सिस्टम अलग है। बस की सफर की यात्रा को पूरा करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं बाबा बासुकीनाथ के द्वार पे। जय हो बाबा बासुकीनाथ। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से मेरी इस वीडियो में। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हम लोग बाबा धाम के मंदिर में देवघर में जल अर्पित किए, उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं बस के ऊपर सवार होके एक नए सफर पे बाबा बासुकीनाथ की तरफ, और चलते हैं इस सफर का एंजॉय करते हैं और बाबा बासुकीनाथ के मंदिर में आपका दर्शन कराते हैं। पहली बार मैं बस के ऊपर बैठ के सफर कर रहा हूँ दोस्तों। अभी हम लोग जा रहे हैं बासुकीनाथ बाबा बैजनाथ धाम में जल ढारने के बाद। जब हम लोग आए बस स्टैंड पे तो यहाँ पे पता चला कि नीचे का सिस्टम अलग है ऊपर का सिस्टम अलग है। हम लोग ऊपर वाले सिस्टम में सवार हो गए हैं, आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से, और ये सब लोग एक स्पेशल बम बन चुके हैं और हम लोग का सिस्टम एकदम बढ़िया है। सीधा बासुकीनाथ जाने के बाद ये सारे बम नीचे जाएंगे। इस पल को एंजॉय करते हुए मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था, मन तो बोल रहा था ना बादशाह बनना है ना मशहूर होना है, मुझे तो बस भोलेनाथ तेरे इश्क में चूर चूर होना है। जय बाबा बासुकीनाथ की। सदियों से हम लोगों ने सुनते आया है कि महादेव के एक से एक भक्त हुए हैं। उसी में के एक तरह के भक्त हमारे बगल में भी बैठे थे जो एकदम अतरंगे थे, रंग बिरंगे थे, और वो चल के आए थे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, और वो हमारे साथ बस पे सवार हो गए थे और हमें खूब हंसा रहे थे। मतलब यहाँ पे लोकल सवारी गाड़ी में भी ऊपर बैठने का सिस्टम है। दोस्तों बासुकीनाथ का यह सफ़र एक अद्भुत सफ़र था। बस के ऊपर हम लोग इंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे थे और हमारे पास समय बहुत था। दूर से ही हमें त्रिकूट पहाड़ के कुछ कुछ दृश्य दिखाई देने लगे थे, जिसकी वजह से हमारे अंदर और लालसा बढ़ती जा रही थी त्रिकूट पहाड़ को देखने की।
हम आपको बताते चले कि बासुकीनाथ तो हम लोग जा रहे हैं, लेकिन सारे के सारे भक्तगण जो देवघर आते हैं वो बासुकीनाथ क्यों जाते हैं, आप लोगों में से कोई जानता है? और ये देखिए गोवा की तरह एकदम अच्छा खासा सीन लग रहा था और सामने ही था त्रिकूट पहाड़, हमें काफ़ी मज़ा आ रहा था। ये त्रिकूट पहाड़ का भी एक अलग इतिहास है, आपको किसी वीडियो में मैं बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा त्रिकूट पहाड़ के बारे में, और हो सके तो कभी त्रिकूट पहाड़ घुमाऊंगा भी। दोस्तों पुराणों के अनुसार एक ऐसी मान्यता है कि जितने लोग देवघर आते हैं जल चढ़ाने के लिए, अगर वो लोग बाबा बासुकीनाथ के ऊपर जाके जल नहीं चढ़ाते हैं तब तक उनकी पूजा असफल मानी जाती है। इसी बीच में बस के कंडक्टर भैया बस रुकवा के ऊपर आ गए थे सबसे पैसा लेने के लिए, क्योंकि ऐसा उनके मन में डर था कि बासुकीनाथ पहुंचने के बाद लोग उतर के भाग जाएंगे, उनको पैसा नहीं देंगे, इसलिए वो अपनी जान जोखिम में डाल के देख सकते हैं किस तरीके से किनारे पे बैठे थे और सबसे पैसा वसूल रहे थे। दोस्तों अब आपको बताता हूँ कि बासुकीनाथ कौन थे। महादेव के गले में आप लोग जिस नाग को देखते हैं उसी नाग का नाम था बासुकीनाथ नाग। जब समुद्र का मंथन हो रहा था अमृत निकालने के लिए, उस समय बिहार के ही एक पर्वत मंदार पर्वत से ही मंथन किया गया, और जब रस्सी का उपयोग किया गया उस रस्सी की जगह पे यही बासुकीनाथ का यूज किया गया था। हमारे मिर्जापुर वाले भाई साहब बगल में ही सो चुके थे और हम लोग पहुँच चुके थे बाबा बासुकीनाथ। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, ये बस का सफ़र आपको कैसा लगा, मेरी बातें कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और हाँ अगले वीडियो में पूरी कहानी आपको ज़रूर सुनाऊंगा। इस बस की सफ़र की यात्रा को पूरा करने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं बाबा बासुकीनाथ के द्वार पे, जिला दुमका। यहाँ आने के बाद पता चला कि इसका नाम दुमका है जिले का। और देखिए हमारे साथ मिर्जापुर, हमारे एक भाई साहब साथ में थे, बड़ा मजा आया उनके साथ सफर करने में। मिर्जापुर सीजन फोर गाइस, मिर्जापुर यही है। केवल लड़कों को मार रहा है, इतना तेज तेज ना कि अगर वहाँ इतना गुस्सा आ रहा है कि अगर मिल जाए वो लोग तो उनको जिंदा काट के फेंक दे। अगर आपके साथ बैग है तो यहाँ पे एंट्री नहीं दे रहे हैं लोग, जो एक ही जगह पे दो दो घंटे कंटिन्यू खड़ा होना पड़ रहा था। इस बस की सफर की यात्रा को पूरा करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं बाबा बासुकीनाथ के द्वार पे, जिला दुमका। यहाँ आने के बाद पता चला कि इसका नाम दुमका है जिले का। और देखिए हमारे साथ मिर्जापुर, हमारे एक भाई साहब साथ में थे, बड़ा मजा आया उनके साथ सफर करने में। मिर्जापुर सीजन फोर गाइस, मिर्जापुर यही है। बहुत अच्छा लगा, बहुत कैसा लगा? एक नंबर बेटर। कमेंट करिए जाके वीडियो में, इनके बारे में दो शब्द लिखिएगा, एकदम लिखेंगे। और ये बहुत अच्छा अच्छा शब्द लिखेंगे, पूछ रहे लिखिएगा तो बस ये लिख दीजिएगा मिर्जापुर सीजन फोर। मिर्जापुर में अभी हम लोग बस से नीचे उतरते हैं दोस्तों, उसके बाद चलते हैं मंदिर के पास। बस से नीचे उतर के अभी हम लोग जा रहे हैं बासुकीनाथ मंदिर की तरफ और वहाँ जाके जल ढारेंगे। और पहली बार मैं जा रहा हूँ बासुकीनाथ, देखता हूँ वहाँ जाने के बाद कैसा है वहाँ का माहौल, और आपको भी दिखाऊंगा। अंधेरा हो रहा है, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द हम लोग अपना कार्यक्रम ख़त्म करें। लोग अपनी अपनी पसंद की शॉपिंग कर रहे हैं, और आप यहाँ आइए तो यहाँ से कुछ ना कुछ निशानी लेके जरूर जाइए, लोग लेके जाते हैं। अगर यहाँ तक आप लोग वीडियो देखें तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। अगर आपके साथ बैग है तो यहाँ पे एंट्री नहीं दे रहे हैं लोग, जो सुरक्षा में लगे हुए हैं जवान, वो लोग बैग है तो उन लोग को अंदर नहीं आने दे रहे हैं, तो यहाँ आना उनका बर्बाद हो जाएगा क्योंकि बैग रखने के लिए कोई काउंटर या वैसी कोई सुविधाएं भी नहीं है। यहाँ तक आए हुए हमें लगभग एक घंटा हो चुका था, लेकिन एक ऐसा समय आया कि सारी की सारी भीड़ रुक गई, रास्ता बंद हो गया। सूचना ये आया कि कपाट बंद कर दिया गया था बाबा का, आरती होने का समय हो गया था, तो लगभग डेढ़ से दो घंटे के लिए पूरी भीड़ रुक चुकी थी और हम लोग एक ही जगह पे लगभग डेढ़ से दो घंटे तक खड़े रहे, फिर थोड़ा सा चले और फिर लगभग आधा से एक घंटा तक, तो लगभग दो से अढ़ाई घंटा एक ही जगह खड़े रहे। प्रवेश कर चुके हैं दो अढ़ाई घंटे की मेहनत के बाद। Bye!
एकदम हालत खराब हो गया था। सामने मंदिर के अंदर हम लोग पहुंच चुके हैं और हम लोग जल्द जल्द हरेंगे। बहुत मेहनत लगा यहाँ पर, बहुत परेशान होना पड़ा, दो दो घंटे तक कंटिन्यू एक ही जगह पे खड़ा रहना पड़ा। ना आप आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। इतना मेहनत करने के बाद हम लोग दो ढाई घंटे बाद मंदिर तक पहुंच गए। काफी खुशी हो रही है, एक ही जगह पे दो दो घंटे कंटिन्यू खड़ा होना पड़ रहा था। पुलिस वाले धड़ाधड़ धड़ाधड़ मार रहे हैं वहाँ पे। बहुत तेज धड़ाधड़ धड़ाधड़ ये सब कमीने पुलिस वाले मार रहे हैं वहाँ पे। बेहूदा हो गए हैं ये सब। इतना मेहनत करने के बाद जब आप मंदिर में पहुंचते हैं तो एक सेकंड भी रुकने नहीं दिया जाता है और पड़ाक पड़ाक केवल लड़कों को मार रहा है। इतना तेज तेज ना कि अगर वहां इतना गुस्सा आ रहा है कि अगर मिल जाए वो लोग तो उनको जिंदा काट के फेंक दे। हम सभी लोग बाबा वासुकीनाथ के दर्शन करके बाहर निकल चुके थे और थोड़ा सा दुखी भी हुए थे पुलिस वालों के डंडे के वजह से। बाहर निकलने के बाद हमने देखा कि सभी श्रद्धालु आरती उतार रहे थे। जो लोग आरती उतार के पूजा करना चाहते थे वो आरती के द्वारा कर रहे थे, जो लोग अपने मन से इच्छा मांगना चाहते थे वो लोग दोनों हाथ जोड़ के भगवान से गुहार लगा रहे थे। चलिए हम लोग का आना सफल हो गया। हम लोग बैजनाथ धाम गए और वहाँ देवघर में बाबा बैजनाथ के ऊपर जल चढ़ाए, उसके बाद बासुकीनाथ आए और यहाँ भी जल चढ़ा लिए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें बासुकीनाथ में हुई, दो दो घंटे एक ही जगह पे खड़ा रहना पड़ा। और अब हम निकलेंगे वापस घर के लिए। यहाँ पे काफ़ी मेला लगा हुआ और काफ़ी खचाखच भीड़ है, आप आ सकते हैं। और यहाँ पे दुकानें हैं, किस चीज़ की दुकानें हैं, प्रसाद की, पूजा पाठ से रिलेटेड सारे सामानों की। और यहाँ भी एक तालाब है, उधर लेजर तो चलता है जो हम लोग नहीं देख पाए, लेजर तो चलता है और उसमें बाबा बैजनाथ धाम का और बासुकीनाथ धाम का कहानी वीडियो के रूप में चलता है पानी के फाउंटेन के ऊपर। बासुकीनाथ से निकलने के बाद अभी जाके हम लोग पहुँचे हैं लगभग आधा घंटा पैदल चलने के बाद मेन रोड पे, और यहाँ से ऑटो या फिर बस मिलेगा हमें जसीडी जाने के लिए या फिर देवघर जाने के लिए। सामने है मेन रोड, अब चलते हैं देखते हैं क्या मिलता है हमें। दोस्तों बासुकीनाथ से बाहर निकलने के बाद हमें ऑटो मिल गया। हम लोग एक ऑटो रिजर्व करके वहाँ से डायरेक्ट जसीडी रेलवे स्टेशन पर आ गए। और जसीडी रेलवे स्टेशन पर आने के बाद प्लेटफॉर्म पर आके सो गए थे हम लोग रात भर, क्योंकि हम लोग की ट्रेन सुबह 5 बजे की थी इसलिए हम लोग सो गए थे और आराम से बेफिक्र होकर सो गए थे, क्योंकि सारे भोलेनाथ के भक्त थे और हमारा सामान था, रख के सो गए। सीधे 5 बजे उठे, 5:10 की ट्रेन थी और अभी हम लोग ट्रेन पकड़ चुके हैं अपनी बक्सर के लिए वापस। और ये हमारे बगल में राधे भाई हैं। राम महादेव, राम महादेव, अपनी पूरी टीम है उधर, बाकी नीचे लोग हैं, टीगर भैया सब लोग हैं। हम चलते हैं बक्सर और मिलते हैं बक्सर में। Thank you.
फिर से हमारी नींद पूरी हो चुकी है, एक बार फिर से हमारी नींद पूरी हो चुकी है और हम उठ चुके हैं। आरा क्रॉस किए हैं अभी दानापुर, अभी दानापुर क्रॉस किए हैं और 2 घंटे लगेंगे हमें जाने में, 2.5 घंटे बक्सर। और चलते हैं थोड़ा सा ट्रेन का दिखाते हैं कि ट्रेन में क्या क्या सिचुएशन इस समय है। दोस्तों हम लोग बक्सर पहुंचने वाले हैं, रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आ चुकी है लगभग, अब रुकने वाली है। ये बाबा की यात्रा अगर आप लोग पूरा वीडियो देखे हैं तो वीडियो के कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ उस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो लोग भी बाबा वैश्वनाथ धाम का दर्शन करना चाहते हैं, जो जा नहीं पाते हैं उनको दिखाइए। फुल यात्रा वीडियो में लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। अगला वीडियो गुप्ता धाम का बहुत जल्द 1 हफ्ते के अंदर आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं गुप्ता धाम की वीडियो में या फिर किसी अदर ट्रेवल वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।